देखिए अभी जो है हम आपको दो अंकों का दो अंकों से गुना करने का कंसेप्ट बताने वाले हैं ना। तो आइए समझते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको गुना करना है 22 को 28 में, ठीक है। तो जब गुना दो अंकों का है तो ये तीन स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। गुना है कितने अंकों का, दो दो अंकों का है तो कितना स्टेप में कंप्लीट होगा, तीन स्टेप। अब स्टेप टू का कौन कौन, देखिए पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर लगा देंगे पहला स्टेप, यानी नियम याद रखेंगे 121 का। 121 यानी 1 2 1, एक का मतलब होता है सीधा, दो का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर एक है तो एक का मतलब क्या होगा, सीधा। इसी में आपका गुना कंप्लीट हो गया। तो 1 2 1 माने एक माने सीधा, दो का मतलब है क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक का मतलब क्या हो गया, फिर सीधा। तो इसमें दो अंकों का इंटू है तो सबसे पहले सीधा गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 2 तो 16 के 6 लिख दिए, हाथ में क्या बचा, जो हासिल होगा उसे लिखेंगे। तो अब 1 2 1 होता है तो एक हो गया, तो कौन बचा, दो बचा ना। तो दो का मतलब क्या होता है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 2 और 2 2 के तो 16 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम जोड़ेंगे। तो 8 2 16 और 2 2 के 4, तो 16 या 4 20 हो गया। अब 20 में हसिलिया 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 21 के 1 हाथ में 2, तो 1 हो गया 2 हो गया, तो फिर 1 होगा ना। तो 1 का मतलब हो गया सीधा गुना 2 2 के, और हसिलिया 2 कितना, 6, यानी आंसर कितना आ गया 616। बोलिए समझे कि नहीं, देख सकते। एक और देखिए, एक और मैंने लिखा 44 × 65। सबसे पहले एक, एक का मतलब हो गया सीधा गुना, तो क्या हो गया, 5 का 20 के 0 हासिल। अब एक के बाद दो, दो अंक लेंगे मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर क्या, तो क्या हो गया 5 का 20 और 6 का, तो 24 में 20 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, और हासिल दो क्या हो गया, 46 के 6 हाथ में 4। अब ये हो जाएगा 6 का 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी आंसर क्या आ गया 2807। बोलो कोई डाउट है, एक और देखो। एक और मैंने लिखा 46 × 41 को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये जो नियम बता रहे हैं कोई भी दो अंकों का अगर संख्या हो तो उस पर ये फॉर लागू होगा, 100% लागू होगा। तो सबसे पहले गुना करो सीधे, तो क्या हो गया 6 × 1, हासिल उसी कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा 1 × 4 और 6 × 4, तो 24 × 4 क्या हो जाएगा 28 के हासिल 2। अब ये हो गया 4 × 16 और 16 × 2 कितना जी 18, यानी आंसर कितना 1886। देखिए पहला स्टेप सीधे, दूसरा स्टेप में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो लास्ट वाला स्टेप होगा तो क्या होगा सीधा। मतलब दो अंकों का जो गुना है वो तीन स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। नियम लगाएंगे कौन सा, 121 का, एक माने सीधे, दो माने क्रॉस, और एक माने फिर सीधे। ओके चलिए इसको लिख लीजिए। तो अब देखिए इसको मिटा देना, बस नियम याद रखेंगे कौन सा नियम, 121 का, एक माने सीधा, दो माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक माने फिर सीधा, बस कहानी खत्म। 1 2 1 72 को मल्टीप्लाई करना है 82 से, 76 को 67 से, 89 को 25 से, 26 को 32 से, 42 को 46 से,
48 को 47 से, 99 को 97 से, 95 को 47 से, 42 को 12 से, 38 को 36 से, 18 को 17 से, 19 को 16 से, 25 को 52 से, 76 को 67 से और 19 को 31 से। चलिए ढाई ढाई इसको बनाइए आप लोग, ढाई ढाई यानी चल।